है कि मतलब हम तो मोदी भक्त है तो मोदी आएगा ऐसा? क्या उतना जो पहले जो वैकेंसी आता था अब उतना वैकेंसी? पर कुछ चीज़ों में केंद्र को सोचना चाहिए कि अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, कम से कम सांकेतिक रूप से, तो ऐसा कोई संदेश ना दें कि मतलब लोगों का भरोसा ही उठ जाए कि नहीं सरकार है और सरकार ने तानाशाही शुरू कर दिया। ये नहीं मार रहा है बाजी, तो मोदी जी मार रहे हैं। मोदी जी मार रहे हैं। एक्चुअली एनडीए है, पर एनडीए है क्योंकि मोदी जी हैं, तो मतलब ये महंगाई चल रही है, एक गलत सिस्टम है। सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अब जनता भी इतनी तो है। महंगाई कम करनी चाहिए बस। हाँ, महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जब एक साथ जुड़ गए हैं ना ये, तो जब अगर इनके पार्टी में कोई जीत भी जाएगा ना, तो आने वाले टाइम पे एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, कोई किसी की चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, पद के लिए लड़ाई। इंडिया जो ज्वाइंट होकर के जो सारी टीमें बनी हैं, जो सारी पार्टीज बनी है, उसमें कितनी दरारें हैं आप ये पहले देखिए। 2024 चुनाव को लेकर जैसे जैसे दिन जो है वो 24 की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, लेकिन आम जनता एनडीए और इंडिया को लेकर क्या सोचती है? क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र सिंह गुर्जर है। मैं जी, क्या लग रहा है, एक तरफ तो मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, क्या लगता है उनके सदस्यता बहाल होने के बाद वो चुनाव में असर डालेंगे? कुछ नहीं होगा, मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी, मोदी सरकार, सिर्फ ओनली मोदी। क्यों लग रहा है? विकास देखिए। क्या देखा? क्या आपको नहीं दिख रहा विकास? नहीं, आप अपना बताइए, हम तो पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक क्या देखी वो जानने के लिए। अरे इतना विकास हुआ गया आज तक हुआ ही नहीं है। दो चार बताइए, सारे मत बताइए, दो चार बताइए। देखिए आप यहीं से देख लीजिए, लाडली तो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है नहीं है। लाडली किसानों के लिए कितना कर रही है? हर 2,000 रुपया दे रही, 6,000 रुपया मोदी सरकार दे रही। ऐसे कई विकास के काम है उसकी कोई जो तुलना नहीं। कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है, हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। कोई भी परेशान नहीं है, मोदी राज्य, मोदी योगी, शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, खबर चल रही है कि एक बार कांग्रेस फिर से कमबैक करेगी। अरे वो तो चलती रहती है, अभी तो चली थी उनकी, कितने दिन चला पाई उनने? कुछ नहीं होगा। तो पलड़ा किसका भारी है मध्य प्रदेश? शिवराज सिंह चौहान। क्यों भारी है? अरे विकास का मसीहा है। अच्छा, विकास का मसीहा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज का ही। शिवराज का? हाँ। आपको शिवराज से बने? क्यों लग रहा है शिवराज? क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम किया है? हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना अलग चलाई है, लाडली बहना योजना जो हर महीना पैसा डाल रहे हैं किसानों के लिए। कांग्रेस ने तो 500 में सिलेंडर देने का वादा किया। नहीं नहीं, वो सब झूठ है, वो झूठ वो कभी नहीं देंगे, वो सब झूठ बोलते हैं। बीजेपी बनेगी सिर्फ, बीजेपी पे भरोसा है, बाकी कांग्रेस नहीं। अरे 70 साल में देश की दिशा नहीं देखी? आज देखिए रोड, देखिए हर चीज, देखिए कांग्रेस की, मेट्रो देखिए, आप दिल्ली में देखिए क्या क्या हो रहा है। हम अभी दिल्ली आए हैं घूमने के लिए, अब इंडिया गेट जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोड पर वो तसला डालने थे भी नौकरी वाले, उनको हटा दिया गया था, मास्टरों को हटा दिया गया था। 24 में कौन आया? वो मोदी, मोदी आया। हाँ, मोदी। अभय दीक्षित। दीक्षित, क्या लग रहा है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया, किसका पलड़ा भारी? देखिए इस बार पूरी तरह से ये देखा जाएगा कि पिछले 2014 से अब तक क्या काम हुआ, और 2014 से पहले 60 साल तक क्या काम हुआ था, है ना। भारत की इमेज 2014 से लेकर के अब तक क्या बनी, और उसके पहले 60 साल में क्या इमेज थी, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। आप 9 साल का बता दीजिए, क्या इमेज बनी पिछले 9 साल में? आप देख लीजिए भारत की पूरे विश्व में क्या इमेज बनी है, भारत किस स्थान पे आ चुका है, भारत को लोग जान रहे हैं पूरे विश्व में, है ना। आज एक एक घर में, गांव-गांव में गैस का चूल्हा पहुंच चुका है, हर एक गांव में आज सड़क है, बिजली है, पानी है। क्या ये पहले था? जनधन योजना के तहत लोग मंच पर आए, एकजुट हुई है सारी पार्टियां, क्या लगता है टक्कर होगी इस बार? आप देखिए ना, सारी पार्टियों का जो भी संसदीय क्षेत्र है, जितने नंबर ऑफ एमपीज हैं, पिछले चुनाव में क्या था? पिछले चुनाव में क्या था वर्सेस एनडीए जो कि 300 से ऊपर थे? आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर आप पिछले चुनाव में अगर सबका टोटल देखते हैं तो वो करीब 200 भी नहीं है, करीब 150 के आसपास है, मुझे डेटा याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर वो 150 से बढ़ते भी है 10% तक, 20% भी बढ़ते हैं, तो 200 तक जा पाएंगे मुश्किल से, लेकिन जो कि संभव होता नहीं दिख रहा है। प्लस इंडिया जो ज्वाइंट होकर के जो सारी टीमें बनी हैं, जो सारी पार्टीज बनी है, उसमें कितनी दरारें हैं आप ये पहले देख लीजिए। आप देखिए पहले कि अभी हम साथ साथ हैं। अभी देखिए ना, अभी देखिए बिहार में ही देख लीजिए, राजद और नीतीश कुमार कितने साथ साथ हैं। आए दिनों अभी मतभेद हो रहा है, अभी देखिएगा कि जो 2024 से पहले ही इनमें मतभेद इतना होगा कि ये
विधानसभा चुनाव पहले कराने की नौबत आ जाएगी। राजेश जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया है? मेरे को तो एनडीए ही लग रही है। एनडीए लग रही है, क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ तो मुझे पता नहीं, मेरा गांव देहात में तो उसने काम किया बीजेपी ने। हाँ, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, 2024 के चुनाव में असर डालेंगे कुछ? नहीं असर डालेंगे, क्योंकि ये सारे जब एक साथ जुड़ गए हैं ना ये, तो जब अगर इनके पार्टी में कोई जीत भी जाएगा ना, तो आने वाले टाइम पे एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, कोई किसी की चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, पद के लिए लड़ाई जरूर होगी। अच्छा, पद के लिए लड़ाई। हाँ, लेकिन कह तो रहे ना, हम साथ साथ हैं। कोई साथ नहीं है। मुद्दे कौन से होने चाहिए 2024? मुद्दे यही सबसे बड़ी, तो पहले नौकरी होनी चाहिए, देखो जरा सब नौकरी के बारे में होना चाहिए, सबसे मेन तो यही है, और सब सुविधाएं होनी चाहिए, बेरोजगारी हो गई, सुविधा हो गई, एजुकेशन हो गई, इन सब पे। बेरोजगारी है या सुविधा है? बेरोजगारी तो है, सरकार कोई सी भी आ जाएगा, बेरोजगारी तो अगर ख़त्म होगी नहीं। हाँ, क्योंकि अभी उस तरह से माहौल और डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्या, जॉब इतनी मतलब सब हर बंदे को मिल जाए। एजुकेशन जैसे जॉब है तो एजुकेशन बंदे के पास नहीं है, जिसके पास एजुकेशन है तो सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल रही है। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। हमने के तौर पर क्या देखा आपने 9 सालों में मोदी सरकार में? मोदी सरकार में बहुत कुछ देखा, वैसे बदलाव तो हुआ है, लेकिन जो मोदी की तरफ से हुआ है वो बदलाव हुआ है। लोग कहते हैं नोटबंदी कर दी है, परेशान कर दिए, जो पैसे वाले हैं उनको परेशानी हुई है, गरीब लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो अपना रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। नहीं, एक कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तो परेशान गृहिणी थी, उन्होंने छुपा छुपा कर पैसे रखे थे, वो ही तो कह रही हूँ, जिसके पास था, जो अब खेत पे जा रही हैं, जो कमा रही हैं, खा रही हैं रोज का, उनका उनकी कितनी वो है, कितनी सैलरी होगी, 150 रुपए अगर दिन भी कमा रही हैं तो कितना खर्चा होता है दिन में, आपको खुद पता है कि कितना खर्चा। पैसे भी बर्बाद हुए थे नहीं जो छुपा कर? मेरे तो कुछ नहीं हुए थे, मेरी तो शादी नहीं हुई थी। अच्छा। मेरी शादी नहीं हुई थी। अब अभी हमारे 6 साल कम्प्लीट होने वाले हैं शादी के, मेरी शादी नहीं हुई थी जब। जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, घर चलाना मुश्किल हो गया। हाँ, दिल्ली में तो खुद ज्यादा ही महंगाई है, हमारे मतलब हम मैरोली किशनगढ़ में रहते हैं, तो हमें तो लगता है कि वहाँ कुछ ज्यादा ही महंगाई है, और जैसे आसपास और एरिया है मैरोली से और आगे जाओगे तो उसमें तो नहीं है इतनी महंगाई जितनी यहाँ वहाँ पे है, खूब ज्यादा ही महंगाई कुछ लगता है। अब महंगाई भी बता रही है और मोदी जी को लाभ ही नहीं। हाँ, वो अब जो सरकार हाँ अब जो सरकार अच्छी है, हमें खुद दिखता है कि हाँ सरकार अच्छी है, ये नहीं है कि मोदी जी हैं तो मतलब ये महंगाई चल रही है, एक गलत सिस्टम है, सिस्टम तो ठीक है लेकिन अब जनता भी इतनी तो है, महंगाई कम करनी चाहिए बस। हाँ, महंगाई कम करनी चाहिए, हमारा कितना कमाना है, मैं तो कमाती नहीं, यही कमाते हैं जो भी कमाते हैं, मतलब जाती नहीं हूँ लेकिन उसका एहसास तो होता है ना, घर में रहने वाली स्त्री को जो वो सब कुछ करती है। क्या नाम है? संजय। संजय जी, क्या देखा आपने 9 साल? देखिए, 9 साल से ही मेरा राजनीति में इंटरेस्ट शुरू हुआ, मतलब 2014 से पहले मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मोदी जी के भाषण से ही मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और मैंने बदलता हुआ देखा है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो अगर आप यूपी को देख लीजिए, मैं इलाहाबाद से, यूपी में भी इलाहाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव हुआ है, सड़कें बहुत बेहतर हुई हैं, और अगर मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ अभी पिछले 1 साल से, तो मैं यहाँ पर भी चीज़ें देख रहा हूँ बेहतर हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और दूसरी चीज़ इसमें अगर अच्छे की बात करें तो समय के साथ चीज़ें बदलनी ही थी, ये अच्छी बात है कि सरकार बदली और सरकार के साथ चीज़ें भी बदल गई। क्या लग रहा है, एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ इंडिया है, तो बाजी कौन मार रहा है? बाजी तो मोदी जी मार रहे हैं, एक्चुअली एनडीए है, पर एनडीए है क्योंकि मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से अभी तो सबसे प्रबल दावेदार वही हैं, और इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको इंडिया ना बोल करके INDIA बोलिए, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो नेता हैं वो परिवारवादी हैं, फैक्ट है, आप देख लो उनको उठा करके, तो उनके में इतनी त्याग की भावना नहीं है, और देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए त्याग जरूरी है। मोदी जी को भी आपने देखा होगा, या अटल जी को भी देखा होगा, या कांग्रेस की पहले की सरकारें रहे हैं, तो उसमें त्याग जरूरी था। जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, 2024 में असर डालेंगे? हाँ, बिल्कुल असर डालेगी, और इनकी सदस्यता जानी भी नहीं चाहिए थी, मतलब इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया था उन्होंने, जनरली नेता बोलते रहते हैं, नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, नहीं बोलना चाहिए, पर अगर बोल दिया तो उसके लिए कोई छोटी मोटी सजा दी जा सकती थी, ताकि नजीर पेश की जा सके, सदस्यता रद्द कर देना, मतलब केंद्र सरकार को भी ये सोचना चाहिए जरा सा, भले इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था, केंद्र कुछ नहीं कर सकती थी, पर कुछ चीज़ों में केंद्र को सोचना चाहिए कि अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, कम से कम सांकेतिक रूप से तो ऐसा कोई संदेश ना दें कि मतलब लोगों का भरोसा ही उड़ जाए कि नहीं सरकार है और सरकार ने तानाशाही शुरू कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या नाम है? नितेश।
राहुल गांधी ने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया था जैसा बता रहे हैं उनके, एक सही बात है, एक उनको वार्निंग देके और इस तरीके की चीज़ों करके छोड़ देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को भी अपने डिसिप्लिन एक्शन में आके जो उसकी गरिमा है, संसद की गरिमा है, या फिर जो उस चीज़ की जो जिस पोस्ट पोजिशन में वो है कि उनको दुनिया सुनती है, तो उस चीज में आके वो अपने मर्यादित भाषा में थोड़ा सा रखें अपने आप को, चीजों को सही से बोले, इंडिया का वो को रिप्रेजेंट करते हैं, आज नहीं कर रहे हैं तो लेकिन करेंगे एज अपोजिशन, आज तो कर ही रहे हैं, तो वो अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अच्छा ही बोले और देश आते तो भी अच्छा ही बोले। तो 24 में कुछ असर डाल रहे हैं राहुल गांधी का? अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा असर डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो पावरलेस जो मुझे पावर का मतलब वो एक तरीका दिखता है ना, वो उसका यूटिलाइजेशन उनके पास है नहीं, और उनका एक विजन भी नहीं है कि मुझे करना आखिर है क्या। ठीक है, मोदी जी का क्या है कि एक भाजपा का जो है ना एक अपना एम लेके एक विजनरी एक वो अपना सेट कर लेते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर में मुझे ये करना है, इस मुद्दों पर हमें बात करना है। 26 दल पहले भी एक साथ आ चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि सपा जब यूपी में चुनाव होता है तो सपा के साथ कहीं ममता बनर्जी आ जाएंगी, कहीं बसपा आ जाएंगी, कहीं मायावती आ जाएंगी, कहीं मीम भीम पार्टी बन जाती है, इसी तरह भाजपा में भी वो बिहार में भी हो जाता है, दिल्ली में भी हो जाता है, लेकिन इस सब चीज़ों का क्या मतलब अभी 10 सालों में क्या इसका रिजल्ट निकला ये आप खुद ही देख लो कि इसका पार्टी सेम सेंट्रलाइज पार्टी को हो जा रहा है, वो लास्ट में बैकआउट कर जाते हैं, जिसका सीधा जो मतलब प्रॉफिट है वो सीधा सीधा एनडीए को चला जाता है, तो ये बनना मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा 2024 को, उसमें से अभी ये एक काम करें कि ये अभी अनाउंस कर दे कि हमारे तरफ से विपक्ष का ये चेहरा होगा, अगर वो चेहरे में हाँ चेहरा अनाउंस करने से फ़ायदा हो सकता है अगर चेहरे में दम होगा, तो अगर मोदी के अपोजिट में वो चेहरा दम में नहीं रहा तो भी वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा दिक्कत होगी अपोजिशन को। मुद्दे वही बेरोजगारी होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए और गरीबी गरीबी मिल रहा, लेकिन जैसे क्या हो उतना जो पहले जो वैकेंसी आता था अब उतना वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो वैकेंसी कम आ रहा है, इसकी वजह से भाई जो स्टूडेंट है योग्यता तो मिल रहा है, इसी बात नहीं योग्यता पे आधार पे मिल रहा है, लेकिन वैसे क्या है वैकेंसी जो है जितना आना चाहिए उतना नहीं, पर्याप्त नहीं है। हाँ, इसके लिए हम लगातार जनता के बीच में हैं। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार यादव। क्या लग रहा है? देखिए ये बात तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हो सकता है तो उसमें मोदी आएगा, मोदी आए एक मंच पर आया हुआ, वो सब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक जी क्या लग रहा है, राहुल गांधी की संस्था बहाल हो गई है, तो उनके एक बार फिर से क्या लगता है कि उनके आने से चुनाव में कितना असर पड़ेगा? अभी वो चुनाव में तो क्या असर पड़ेगा वो तो पता नहीं, पर सभी जोरों शोरों से सभी तैयारी कर रहे हैं, और हमको तो लगता है कि मतलब हम तो मोदी भक्त है तो मोदी आएगा ऐसा लग रहा है। क्या देखकर मोदी भक्त बन गए? नहीं बत नहीं यार ऐसे सवाल नहीं, बाजी मार रहा है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। एनडीए मोदी जी या फिर राहुल की सेना? ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं पा रहे आप किसकी तरफ बात कर रहे हैं। 9 सालों में आपने क्या देखा मोदी सरकार के 9 सालों में क्या देखा? अच्छा डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलप हुआ। तो फिर कौन आना चाहिए 24 में? तो टाइम है, देखेंगे। अभी किसका माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मोदी का तो चल रहा अभी, मोदी जी का चल रहा है। आने कौन चाहिए? कोई पब्लिक तो डिसाइड करेगा अभी। आप किसे डिसाइड कर रहे हैं? मोदी का ही ये इधर कर। अच्छा मोदी जी ही आने चाहिए। ठीक ठीक। हेलो हेलो। चैनल है आपका? हाँ इंस्टा पे चैनल है या ऐसे ही कुछ? ये सब तो ऊपर का करा रही है।